Yes, students. Good morning, all. Myself Puneet Agrawal here. Today I am explaining you chapter number 9, Internet and Email, Part 2. As you see on the screen, this chapter is very interesting. बच्चों, आप सभी को प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था इंटरनेट क्या होता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किन चीजों का होना आवश्यक है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Requirements for connecting to the internet. Students, आप सभी जानते हैं इंटरनेट की दुनिया में आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है। हम स्मार्ट फीचर्स का यूज करते हुए इंटरनेट के माध्यम से अपने काफी सारे वर्क इंस्टेंटली कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। टेलीफोन लाइन A telephone line is a medium that is used to connect the computer to an internet service provider, ISP. Students, internet connect करने के लिए हम telephone line का भी use करते हैं। Telephone line एक ऐसा medium है जिसे computer को connect करने के लिए use किया जाता है ISP से। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप यहाँ स्लाइड पर जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं और आईएसपी से इंटरनेट यूजर्स, बिजनेस कंज्यूमर्स एटसेट्रा। एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP in exchange of a fee. इंटरनेट कनेक्शन एक सर्विस होती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले में वो हमसे कुछ फी लेते हैं। कौन? ISP, सर्विस प्रोवाइडर। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट अनलेस यू सब्सक्राइब for a connection with any ISP. Yes, students, आप इंटरनेट को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अपना कनेक्शन सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं। यानी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन सब्सक्राइब करने के बाद ही इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन मिल पाती है। Some of the most popular ISPs are. अब ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कौन होते हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन से ISP हैं। Everyone knows very well, like as Idea, Vodafone, Jio, VI, types of internet connection. Several types of internet connections exist that enable us to connect to the internet. अब इंटरनेट कनेक्शन के भी टाइप्स होते हैं और कई तरह के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं जो कि हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इनेबल कराते हैं, यानी परमिशन देते हैं। फर्स्ट वन इज डायलअप कनेक्शन। Dial-up connection requires users to link their phone line to a computer in order to access the internet. Dial-up connection क्या करता है? Dial-up connection में users को अपने phone की जो line होती है उससे connect करना होता है computer, अगर internet access कराना है तो।
आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में जो टेलीफोन लाइन है उससे सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है इंटरनेट चलाने के लिए. दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट अलाउ यूजर्स टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स थ्रू देयर होम फोन सर्विस व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. स्टूडेंट्स अब पीएनटी का क्रेज बहुत कम हो रहा है. पहले पीएनटी फोन जो होम फोन हुआ करते थे वो घरों पर ज्यादा लगे हुए थे. इंटरनेट कनेक्ट करते समय या इंटरनेट चलाते समय जब हम कनेक्टिविटी सिस्टम को प्रोवाइड करते थे तो उस समय पर कॉल को जो भी फोन कॉल है ना तो रिसीव कर पाते थे हम उस दौरान ना ही कॉल कर सकते थे किसी को भी. इट इज अ स्लो कनेक्शन. ये एक स्लो कनेक्शन होता है. इंटरनेट स्पीड यहाँ पर इसमें हमें स्लो मिलती है. अब बात करते हैं इसके अगले टाइप के बारे में ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है? एज द टर्म सजेस्ट दिस कनेक्शन यूजेस वाइड बैंडविड्थ विच प्रोवाइड्स हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम्स. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कनेक्शन वाइड बैंडविड्थ यूज करता है यानी इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है. इट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन अ डायलअप कनेक्शन. अभी मैंने डायलअप कनेक्शन के बारे में आपको बताया. डायलअप कनेक्शन में आपको इंटरनेट की स्पीड स्लो मिलती है बट यहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन में डायलअप कनेक्शन से फास्ट स्पीड मिलती है. यूजिंग ब्रॉडबैंड यू कैन शेयर वीडियोज डाउनलोड म्यूजिक प्रोग्राम्स और फोटोज विद इन नो टाइम. आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करके वीडियोज म्यूजिक प्रोग्राम फोटोज एटसेट्रा ये सभी आप शेयर कर सकते हैं. अनलाइक अ डायल अप कनेक्शन अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन डज नॉट टाई अप योर फोन लाइन सो यू आर फ्री टू मेक एंड रिसीव कॉल्स वाइल ऑनलाइन. क्योंकि डायल अप कनेक्शन में हम फोन कॉल नहीं कर सकते थे लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको फ्रीडम मिल जाती है क्योंकि आप अपनी फोन लाइन से टाई अप नहीं करते हैं इसको तो आप कॉल मेक एंड रिसीव कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन हो. नेक्स्ट वन इज केबल टीवी कनेक्शन. स्टूडेंट्स आप स्लाइड पर देख रहे हैं आपके घरों में जो केबल टीवी लगा हुआ होगा जैसे जो डैन की जो डिश है हमारे इसमें खुर्दा सिटी में तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके यहाँ वो डिश भी लगी हुई होगी. तो डिश की केबल आपने देखी होगी कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आपको स्लाइड में शो किया गया है. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी लाइंस. इस तरह का जो कनेक्शन है ये केबल टीवी लाइंस से प्रोवाइड किया जाता है. इट यूजेस अ केबल मॉडम विच प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट. इसके लिए क्योंकि हम जो केबल टीवी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर केबल मॉडम का यूज किया जाता है जिससे कि इंटरनेट को फास्टली एक्सेस किया जा सके. नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट. इन एरियाज वेयर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इज नॉट येट अवेलेबल सैटेलाइट कनेक्शन आर यूज. बच्चों ऐसे एरिए में जहां पर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है वहां सैटेलाइट कनेक्शन को यूज किया जाता है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सैटेलाइट. दिस रिक्वायर्स अ सैटेलाइट डिश टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द सैटेलाइट. इसके लिए हमें सैटेलाइट डिश की आवश्यकता होती है इंस्टॉल करने के लिए. ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए अगर हम सैटेलाइट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो सैटेलाइट डिश का इंस्टॉल्ड होना जरूरी है. DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL यूज टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन कुछ इस तरह की होती है जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं. इट अलाउज यू टू मेक कॉल्स इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इसका यूज करके आप DSL का अगर यूज करेंगे तो आप इंटरनेट कनेक्ट करने के साथ आप कॉल भी कर सकते हैं.
इट इज ए फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही एक फॉर्म है. वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे अ मंथली फी टू एन आईएसपी फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट. और आपको यह जरूरत होती है किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप फी पे कराते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी उस मोड में आपको जो भी ऑफर पसंद आए, तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से फी पेड करके और यहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. बात करते हैं अब वायरलेस के बारे में. वायरलेस कनेक्शन मेक यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ऑफर्स ग्रेट स्पीड. आप सभी जानते हैं मोस्टली वायरलेस नेटवर्क का यूज हो रहा है इस समय. वायरलेस कनेक्शन क्या करता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करके इंटरनेट कनेक्ट करता है और एक हमें ग्रेट स्पीड प्रोवाइड करता है. इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन दैट कम्स अंडर द नेटवर्क कवरेज एरिया. वायरलेस नेटवर्क को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, लेकिन वहां पर नेटवर्क कवरेज एरिया का होना जरूरी है. इट रिक्वायर्स अ वाईफाई मॉडम टू बी कनेक्ट टू योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई मॉडम होना चाहिए. बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट. आप अपने मोबाइल से भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं. मोबाइल इंटरनेट अलाउज अ यूजर टू एक्सेस इंटरनेट ओवर अ स्मार्टफोन यूजिंग द नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द सर्विस फोन सर्विस प्रोवाइडर. आप अपने फोन से अपने सिस्टम में भी नेट चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, और नेटवर्क का यूज करते हुए स्मार्टफोन का, यहाँ पर आप फोन सर्विस प्रोवाइडर का यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस. ये टेक्नोलॉजी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस कराती है हाई स्पीड से. द स्पीड जनरली वेराइज बिटवीन 2G, 3G, 4G. आप जानते हैं जो भी सिम कार्ड हम यूज करते हैं मोबाइल फोन में, वो 2G, 3G, 4G अलग अलग वेराई करते हैं, तो नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग हमें स्पीड देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन इज हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट्स आप सभी जानते हैं. हॉटस्पॉट्स आर द साइट्स दैट प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. हॉटस्पॉट का यूज करके भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, हमारे फोन का डाटा जब खत्म हो जाता है तो हम ऐसी सिचुएशन में अपने कलीग, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली मेम्बर से किसी से भी हेल्प ले लेते हैं कि उनका हॉटस्पॉट ऑन करा करके हम अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं. तो इसकी जो रेंज होती है अप्रॉक्स 20 मीटर्स होती है यहाँ पर जो मेंशन है, बट रेंज कुछ कम ही होती है. जितनी कम रेंज में अगर हम होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमें मिलेगा. इट यूजेस वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड अलाउ द यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू रेडियो वेव्स. और यह वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करता है. यहाँ पर ये यूजर्स को अलाउ करता है कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं रेडियो वेव्स के माध्यम से. Hotspots can be phone-based, commercial, or free to the public and can be found at places such as airports, universities, cafes, and hotels. Students, hotspot phone-based हो सकता है, commercial यानी business purpose से हो सकता है, free हो सकता है public के लिए. और ये कहाँ पर मिल सकता है आपको ज़्यादातर, जैसे airport, universities, cafes, hotels, railway station, etc. तो आपने सीखा स्टूडेंट्स कि हम कितने तरह से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. आईएसपी को हमें कोई ना कोई चार्ज देना होता है, आईएसपी हमें सेलेक्ट करना होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड यूजिंग लिंक्स. हम इंटरनेट कैसे ब्राउज करते हैं और लिंक्स का कैसे यूज करते हैं, तो आइए देखते हैं. एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड वाइड वेब बाय फॉलोइंग वन लिंक टू अनदर without a planned search strategy is called browsing or surfing the internet. Students, जब हम www का use करते हैं, उसे explore करते हैं one link को other link के साथ follow करते हुए, और जब हमारी कोई planned strategy नहीं बनी हुई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, browsing और surfing कहते हैं internet.
पर जब हम कुछ भी डाटा सर्च कर रहे होते हैं, जब हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है प्लान्ड, तो उसे बोलते हैं ब्राउजिंग और सर्फिंग. WWW stands for World Wide Web. A link can be a highlighted text, a button or an image. Students, link क्या होता है? कोई highlighted text हो सकता है, button हो सकता है, या image भी हो सकती है. When we move the cursor over a link, the cursor changes to hand. जैसे ही हम अपने माउस का कर्सर किसी भी लिंक पर पहुंचाएंगे, तो ये कर्सर चेंज हो जाता है और चेंज होकर हमें हैंड पोजीशन में दिखने लगता है. जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, यहाँ किप्स की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर जो अबाउट अस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम माउस का कर्सर ले जाते हैं यहाँ पर, तो हमें हैंड का ऑप्शन देखने को मिलता है. इसे लिंक कहते हैं. क्लिकिंग द लिंक टेक्स अस टू अ वेब पेज इन द वेबसाइट और टू अ डिफरेंट वेबसाइट. और जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ये हमें वेब पेज पर, वेबसाइट के अंदर ले जाता है, या जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहां पर हमें कनेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है. लेट्स नो मोर. ईच वेबसाइट हैज अ मेन पेज. हर वेबसाइट का एक मेन पेज होता है. व्हेन यू विजिट एनी साइट, जब कभी आप किसी भी साइट को देख रहे होते हैं, विजिट कर रहे होते हैं, द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स इज कॉल्ड द होम पेज. तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने ओपन होता है, उसे हम होम पेज कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से ये सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे. डू प्रैक्टिस एट योर होम. सभी अपने सिस्टम पर इंटरनेट ब्राउज करके देखें, इंटरनेट कनेक्ट करके देखें, हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कैसे किया जाता है, और अपने मोबाइल फ़ोन से हम अपने लैपटॉप या पीसी में किस तरह से नेट कनेक्ट कर सकते हैं. तो आप घर पर प्रैक्टिस करें. ऑल द बेस्ट. और इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.